कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ बैठो। और शो तुम डांस स्टूडियो जा रही हो? नहीं मैं हाँ जा तो रही हूँ। तो मैंने सुना कि रोहित सर अभी गाँव गए हैं। रोहित सर? हाँ वो छुट्टी पे गए हैं। तो वो कब तक आएंगे? वो आ जाएंगे 10 दिन में। क्या क्या सीखने से मिला? मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं जो भी उनके साथ डांस करती हूँ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। उनसे तेरे को क्या सीखने को मिला? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। तो तू आप क्या क्या सीखती है? मैं डांस, आर्ट, एक्टिंग, वीडियोस, ब्लॉग्स हम सब बनाते अगर हम वहाँ जाते हैं। तुझे आना है? हाँ मुझे आना तो बहुत। हाँ तो ठीक है आ जाए। वैसे कितनी फीस है वहाँ की? 500। तो वैसे एडमिशन चार्ज वैसे 200 है। वो नए बच्चों के लिए है, वैसे हम तो पुराने हैं इसलिए हमारा वो कुछ नहीं। महीने का है 500? हाँ तो वो कितने वीक्स में? 4 दिन सिखाते हैं। इससे अगर ज़्यादा होता है ना तो फिर संडे को एक्स्ट्रा हो जाते क्लासेस। और तो उस दिन पता है शूटिंग भी होती है, काफ़ी मज़े आते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लंच लेके जाते हैं, वहीं पे खाते हैं, हर चीज़ वहीं पे करते हैं। फिर जो वहाँ नहीं जाते वो तो बहुत मिस करता होगा वो सब चीज़ों को। हाँ तो है ही ऐसा, डांस क्लास सबको मिस ही करना पड़ेगा। फिर तो मैं भी आना चाहती हूँ। तू भी आए? हाँ तो वो आ जा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी भी किसी को मना नहीं करते आने के लिए। तो सर से तो बात, वो आके एक बार देख भी सकती है कि कैसा है डांस क्लास, कोई मना नहीं करेगा। तो बस सर से बात कर लियो। हाँ तो मैं नंबर दे दूँगी तो कॉल कर लियो। तो जैसे हम रोहित सर के साथ रहते हैं तो हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनको, मतलब कि डांस करते हैं कोई प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो फनी भी है, मजाकिया भी, लेकिन वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते, नॉर्मल इंसान की तरह। तो जैसे कि जैसे टीचर्स हो गए तो गुस्सा दिखाते हैं ना, तुमने ये कैसी गलत क्यों किया, ये गलत क्यों किया, तो तुम्हें वो वैसे ही निकलेंगे नॉर्मल से, भले वो गुस्से करते होंगे लेकिन हमारे में वैसे नहीं करती। तो जैसे नशा पे वो बिल्कुल भी नहीं करते, और जो करते हैं तो वो अपने काम का करते हैं, वैसे कोई नशा वशा नहीं।